मेरा नाम मोनाली है। मुझे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में मेरी फ्रेंड से पता लगा। पहले तो मुझे इसका नॉलेज और आध्यात्मिक मिशन के बारे में पता लगा कि ये लोग क्रिस्टल हीलिंग के बारे में हमें बताएंगे और हमारी जानकारी आकर बहुत बढ़िया था, क्योंकि वैसे तो हम लोग बहुत सारे स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल और उसकी हीलिंग कैसे की जाती है वो नहीं पता हमें। लेकिन जिस आज आने के बाद मेरी ये जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई हैं, और आइंदा मैं जो भी कुछ आगे रत्न या प्रेशियस स्टोन पहनूंगी तो उसको मैं अच्छी तरह से देख परख के ही पहनूंगी, जिसके लिए मैं आध्यात्मिक मिशन मिस्टर विकास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे आप अपनी ऑरा को बढ़ा सकते हैं, आपकी तकलीफें दूर कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली, और आपके दोस्तों को भी आप मदद कर सकते हैं ये अच्छी तरह से गाइड करके कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना होगा। इस बारे में मैं ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी, और यहाँ से मैं खुद ब्रेसलेट्स ले जा रही हूँ जो मैं अपने बेटे को भी पहनाऊँगी, खुद भी पहनूँगी, जिससे उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। वो ज़्यादा ही खेलता है बच्चा, तो ये है कि इसमें बहुत चेंजेस दिखेगा। मैं पॉजिटिव होके लेके जा रही हूँ। पहले आपको पता था इन सब चीज़ों का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, बस लेते थे, पहनते थे, नहीं यूज़ हुआ साइड में रख देते थे अपने कबर्ड में, कभी उसको मुड़ के देखा भी नहीं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन अब मुझे लगता है जो भी चीज़ पड़े उसको निकालो, उसको हम अपना एनर्जी देंगे, पावर देंगे और पॉजिटिव अफर्मेटिव मैसेजेस देंगे, जिससे वो एक्टिव हो जाएगा मेरा स्टोन्स और मैं वो पहनना शुरू कर दूंगी। इसी तरह मेरे पैसे भी बच गए नए कुछ खरीदने से। कोई ध्यान क्रिया करवाई हो जिससे कुछ फर्क पड़ा हो आपको? कोई यहाँ फर्क पड़ा हो आपको? हाँ, मेडिटेशन में मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा कि जैसे मैं अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही थी, और जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि मैं चारों तरफ से क्रिस्टल से घिरी हूँ, और बहुत अच्छा फील था। इट वॉज समथिंग डिफरेंट जो मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। जी, थैंक यू।